कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार सोलन में प्रत्येक वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सोलन में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस वर्ष जन्माष्टमी पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि सोलन की जनता आज काफी दुखी नजर आई, लेकिन सभी शहरवासी अपने अपने घरों में रहकर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। इस मौके पर नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने शहरवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी और कामना करते हुए कहा कि कोरोना संकट जल्द से जल्द देश से दूर हो जाए, किसानों की फसल अच्छी हो। जो मजदूर और गरीब आजकल कोरोना संकट के चलते बेहद हताश और निराश है, उनके ऊपर से संकट के बादल जल्द छंट जाए। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है, पूरे देश में और विदेशों में भी इसको मनाया जाता है। और मैं अपनी ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सोलन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से शुभकामनाएं मांगता हूं कि सभी सोलन वासियों, प्रदेशवासियों पर अपनी आशीर्वाद बना के रखें और ये कोरोना महामारी से सभी को इससे निजात दिलाएं। और भगवान कृष्ण का जन्म आज होने जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे प्रदेश में सभी लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, सुख शांति समृद्धि बनाए, किसानों की फसल अच्छी हो, मजदूरों को, व्यापारियों को, सभी को कुछ ना कुछ आशीर्वाद माँ प्रभु का मिलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।